नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मैजिक। तो हर कोई अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी चाहता है कि कुछ मैजिकल हो जाए, कुछ जैसे स्पिरिचुअल में भी जाते हैं तो कुछ मैजिकल हैपनिंग हो जाए, कुछ एक्सपीरियंसेस हो जाए मैजिकल, और कहीं भी कुछ भी करते हैं तो कुछ एक टाइप से इंजॉयमेंट हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ मैजिकल हो जाए। ऐसी ही एक टाइप से फीलिंग अंदर से आती है, ऐसे एक टाइप से कुछ अंदर से आता है कि हाँ कुछ मैजिकल हो जाए लाइफ में, कुछ मैजिक तो होना चाहिए यार। पर क्या कभी वो मैजिक आपने फील किया है? तो कभी ना कभी लाइफ ऐसी लाइफ स्टेज पे आपने वो मैजिक फील किया होगा। पर मैं आज जिस मैजिक की बात करने जा रहा हूँ वो आप हर समय हर सेकंड, आप जब से पैदा हुए हो और आप अभी तक जो भी हो वो आप एक टाइप से मैजिक ही हो, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और मेनली मैजिक एक टाइप से ऊर्जा है। अब जैसे मम्मी पापा से ऊर्जा का स्रोत निकल के एक ऊर्जा निकली जिसमें हम पैदा हो गए, और हम एक ऊर्जा के स्रोत हैं, हम एक सोर्स हैं। और बोला जाता है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इंटू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इंटू अनदर फॉर्म। वैसे ही जैसे हम खाना खाते हैं और फिर उस ऊर्जा को, वो खाना खाने के बाद जो ऊर्जा बनती है, वो एनर्जी जो बनती है, उसको हम किसी काम में लगा देते हैं। वो काम चाहे कुछ भी हो, कुछ जैसे मम्मी हैं वो अपना आटा गूंथती हैं और फिर वो रोटी बना लेती हैं, अपनी ऊर्जा का यूज़ करके वो कुछ अच्छा काम कर रही हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव वे यूज़ कर रही हैं, और एक टाइप से डिस्ट्रक्शन वे में भी यूज़ कर सकते हैं ऊर्जा का। तो ऊर्जा हम डिसाइड कर सकते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि हम डिप्रेशन हो जाते, कई बार हमें डिप्रेशन हो जाता है, कई बार स्ट्रेस हो जाता है। तो हम अपने जो ऊर्जा है उसको हम अपने विचारों को दे रहे हैं, अपने थॉट्स को दे रहे हैं, और वो सारी ऊर्जा जो है वो मैजिकल, जो मैजिक है वो ऊर्जा जो है वो सारी ऊर्जा हम अगर अपने थॉट्स को देंगे तो वो थॉट्स इंक्रीज होंगे। हम कुछ प्रोडक्टिव देंगे, कुछ प्रोडक्शन में हम अपनी एनर्जी को देंगे, अपनी ऊर्जा को देंगे तो वो इंक्रीज होएगा, कंस्ट्रक्शन में इंक्रीज होएगा। और अगर हम डिस्ट्रक्शन में उसका यूज़ करेंगे तो वो डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। तो मेनली ऊर्जा ही तो है। अब नेचर भी जो है हम ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं। अब पेड़ पौधे भी सन से अपनी एनर्जी लेते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं, CO2 हम CO2 देते हैं, वो CO2 से अपना फूड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस चलता रहता है और नेचर में कुछ ना कुछ गतिविधियाँ चलती रहती हैं। हम ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं और हम भी एक ऊर्जा है, और हम अपने हम अगर सांस भी ले रहे हैं वो भी नेचर से ले रहे हैं, सांस लिया तो ये भी एक ऊर्जा ही है। हम सांस ले रहे हैं, इससे हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन से कुछ फिर ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, तो ये ऊर्जा ही तो है। तो मेन हम चाहते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए, पर ये मैजिक ही तो है, हम एक मैजिक ही तो हैं। तो ये मैजिक ही तो है आपकी ज़िंदगी में। आप टच कर पा रहे हो अपने दोनों हाथों को, अगर आप टच करते हो आप फील कर पा रहे हो कि हाँ अपने हाथ पे ऐसे टच करके आप फील कर पा रहे हो कि हाँ कुछ तो है। और इस पे आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि ऊर्जा मैजिक, ये मैजिक ही तो है, आप मैजिक हो। आपको मैजिक चाहिए नहीं, आपको कुछ होना नहीं है, कुछ करना नहीं है, आप खुद में ही एक ऊर्जा के स्रोत हो। अब आप डिसाइड करो कि आपको इस ऊर्जा का कहाँ यूज़ करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, तो ये आपके हाथ में है। आप अपने विचारों को ऊर्जा देना चाहते हैं ताकि आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बढ़ जाए, या फिर आप अपने काम में, अपने कंस्ट्रक्शन में, अपनी अपनी पावर्स को इंक्रीज करने में, अपनी ग्रोथ में लगाना चाहते हो अपनी ऊर्जा को, या फिर अपने डिस्ट्रक्शन में अपने को और गिराना चाहते हो अपनी ऊर्जा को, तो वो आपको डिसाइड करना है। तो यहीं पे हमारा टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है, और बाकी विचारना जो भी सोचना है वो आपको सोचना है। ओके, थैंक्स।